हेलो फ्रेंड्स, देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधा आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी लहसुन की चटनी, जो कि खाने में बहुत चटपटी और स्वादिष्ट होती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा दे। बेल आइकन बटन दबाने से आपके पास मेरी रेसिपी सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी, राजस्थानी लहसुन की चटनी। तो राजस्थानी लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 20-25 लहसुन की कलियां कूटी हुई। फिर उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़े टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें पानी ऐड करके एक घोल तैयार करेंगे। इस तरह से घोल बना लीजिए। अब हमारा मसालों और लहसुन का घोल तैयार है और अब हम एक पैन गरम करेंगे। 2 से 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालिए 1/4 चम्मच सरसों और 1/4 चम्मच जीरा। सरसों और जीरा को तड़कने दीजिए और फिर डालिए उसमें लहसुन और मसालों का घोल और इसे अच्छी तरह से पकाइए। हमें यहाँ आँच मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज आँच पर हमें इसे नहीं पकाना है। और जब मसाले तेल छोड़ दे तो इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़े टेबल स्पून आमचूर पाउडर। अच्छी तरह से सभी सामग्रियों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर डालिए 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से अच्छे से मसल लीजिए, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसे तब तक पकाना है हमें जब तक ये घोल गाढ़ा ना हो जाए। देखिए इस तरह से गाढ़ा कर लीजिए आप घोल को। अब हमारी चटनी तैयार है और इसमें डालिए बारीक कटी हुई धनिया। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है और क्या टेक्सचर और फ्लेवर आया है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो चलिए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी लहसुन की चटनी तैयार है, देखिए फटाफट बन के तैयार हो गई और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी होती है। आप इसको किसी भी पराठे या व्यंजन के संग खा सकते हैं और इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं।
ये काफी दिन तक खराब नहीं होती है। तो इसको एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। बाहर भी ये खराब नहीं होगी, पर फ्रिज में रखने पर ये ज्यादा दिन तक चलेगी। तो हमने यहाँ पे इसको लच्छे पराठे के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो किसी भी व्यंजन के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है। तो फटाफट इसको बनाइए, मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।